अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये गांव देवी का रोड जो मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने से होता हुआ ऊपर गाँव देवी पे हाईवे की तरफ गया है, कितना पथरीला है, जगह जगह गड्ढे हैं और जो है मतलब उसका जो है मतलब पत्थर निकल गया है और लोगों को चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। ये देखिए, ये गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये रास्ता अब चलने काबिल नहीं है। लोग जान पर खेल करके इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अगर कोई बाइक वाला आ रहा है तो उसको काफ़ी खतरा हो रहा है और कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चे हैं तो वो समझो अपने जान पर खेल करके इस रास्ते से गुजरते हैं। कभी कभी ये देखिए, हमारी आपा आ रही हैं, हमारी बहनें आ रही हैं, इन लोगों को कितना तकलीफ है। आपा आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस रास्ते से आप गुजर रही हैं? पथरीला रास्ता है और गड्ढा है चढ़ने में उतरने में। अच्छा, ये बता रहे हैं बहुत तकलीफ होता है आने जाने में। ये बच्चे जो है मस्ती करते हुए जा रहे हैं, कभी कभी ये फिसल के गिर भी जाते हैं और जो बुजुर्ग बच्चे आते हैं और कई बार गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं। निजाम भाई, आपको कैसा लग रहा है इस रास्ते से आ रहे हैं? भाई, ये रास्ता तो बहुत ख़राब हो चुका है और रिपेयरिंग होना चाहिए और जहाँ तक कोशिश करो कि हमारे आमदार को संदेशा भेजो कि भाई ये काम जो भी कुछ है मतलब हो जाए फटाक से तो बेहतर है, और थोड़ा चौड़ा हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। और रही बात ये कि मतलब इतने पतले रास्ते में तो गाड़ी क्रॉस नहीं हो पा रही, दो गाड़ी अगर आ जाती है, और कोशिश करके थोड़ा हो जावे तो बेहतर है। बाकी उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है और पूरे मुंबरा के लिए अच्छा काम किया है, मिला जुला करके। कहीं कोई रास्ता बाकी नहीं रह चुका है, मेरे ख्याल से ही खाली एक रास्ता बाकी है अभी फ़िलहाल, कि जो इतना ख़राब है, इतने खड्डे खुड्डे हैं, रात के लोगों को आने जाने के लिए भी दुश्वारियाँ हैं और तकलीफ़ भी है। इतने बेकार रास्ते हैं, आदमी गिर जाएगा। एक बार तो पता मालूम हुआ कि नीचे चला गया सीधा, मैं कंपनी के अंदर चला गया। तो देखिए, अभी गाड़ी भी आ रही है फिलहाल, आप वहाँ भी कैमरा फिराइए जरा मतलब देखिए। ये देखिए, एक्टिवा से आ रहे हैं भाई। भाई आपको कैसा लग रहा है, आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं इस रास्ते से? बहुत डर लग रहा है भाई, आप देख रहे हैं रोड किस तरह ख़राब है, बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं और इन खड्डे में जो इनके बारीक बारीक पत्थर इनके ऊपर बिखरे हुए हैं, इससे काफ़ी डर लगता है। अगर बहुत से लोग गिरते भी रहते हैं दिन में, और देख रहे हैं आप किस तरह इस पर जो इनके पत्थर निकले हुए हैं ऊपर, उससे तो बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, तो आप बराबर इसी रास्ते से आते जाते? जी जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप गाड़ी लेकर के गिर गए हैं? गिरे ना, वहाँ आगे गिरे हैं यहाँ पे। इससे पहले हमारा दोस्त एक बार गिरा था तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था, सर में लग गया था पीछे। बताइए, इनका ये भी कहना है कि इनका दोस्त एक बार गिर गया था, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और ये बच्चे बता रहे हैं कि एक बार गाड़ी जो है बिल्कुल नीचे चली गई थी। ये देखिए, ऑटो रिक्शा लेकर के आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आप ऑटो रिक्शा लेकर के आ रहे हैं? बहुत ख़राब है, तो ये बहुत ही ख़राब रास्ता है। लोग जो है प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से, कारपोरेटर या आमदार से उम्मीद जताते हैं कि इस रास्ते को सही करेंगे। यहाँ की जो सरकार है, अभी लोग कहते हैं जितेंद्र आवाड़ साहब करेंगे, यहाँ के नगर सेवक जी राजन किले जी हैं, सुनीता सातपुते जी हैं, अब इन्हीं लोग से साहब बोलना चाहिए, करना चाहिए, उनको भी ऐसा देखना चाहिए रास्ता किस तरह से ख़राब है। वो भी इस रास्ते से आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस रास्ते से वाकिफ़ नहीं है, वो यहाँ से आते जाते हैं और बहुत रिस्की रास्ता है ये। कभी अगर गाड़ी यहाँ पे अगर लेके अगर भाई किसी ने इमरजेंसी ब्रेक ले लिया तो उसको गिरना ही समझ लो कि निश्चित है, गिरना ही है उसको। और जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई सुरक्षा वाल भी नहीं है कि मतलब गिरे तो बच जाएगा, उसको फिर खाई में जाना ही है गिरते हुए। और हम लोग नहीं है कि यहाँ की जनता ऐसा मांग करना चाहिए कि ये रोड को दुरुस्त कराना चाहिए। इससे पहले कुछ एक साल के पहले लगभग देखो वहाँ पर आधा डामर जैसा रोड हुआ है, वही रोड सीधा ऊपर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो, ये गांव देवी इलाके के नागरिक हैं, इनका कहना है कि इस रोड को यहाँ के जो कारपोरेटर हैं, जो यहाँ के आमदार हैं, उनको विजिट करना चाहिए, इधर देखना चाहिए और इस पर जो है जल्द से जल्द जो है इसकी मरम्मत कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरीला रास्ता हो गया है, बहुत ही डेंजर रास्ता है। इसलिए जो है जल्द से जल्द इस रास्ते को सही कराना चाहिए, यहाँ पर लाइटिंग करवाना चाहिए, लाइट लगवाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, कुछ घटना भी घट सकती है, चोर उचक्के भी जो है मतलब कुछ अपराध अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ के कारपोरेटर को, यहाँ के लोग ये संदेश देना चाहते हैं नगर सेवक राजन किने और सुनीता सातपुते और आमदार साहब को कि जल्द से जल्द इस रास्ते को दुरुस्त करा करके दें। सुल्तान रिज़वी, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़, मुमरा।
दोस्तों तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे मुमरा शहर के चर्चित नगर सेवक राजन कीने जी से, जो ये रास्ते पर जो खड्डा हुआ है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा उसका काम, या कब शुरुआत की जाएगी, या इसके बारे में ये क्या कहने वाले हैं, आइए जानते हैं राजन कीने जी से। तो राजन कीने जी, ये बताइए, ये जो गौतमी हॉस्पिटल सम्राट नगर से जो रास्ता बाईपास को जाके मिलता है और गाँव देवी एकता नगर से होकर गुजरता है, वो रास्ता कीने साहब बहुत उस पर खड्डे हो गए हैं, अब कभी भी वहाँ पर हादसा हो सकता है, तो वो आपके इलाके की बात है, आपके इलाके का रोड है, तो क्या कहेंगे उस काम के बारे में, वो कब तक किया जाएगा या उस पर आपकी नज़र है या नहीं है? अभी पिछले हफ्ते में गोसाई साहब हमारे जो मुमरा प्रभाग समिति के कार्यकारी अभियंता है उनके समवेत मैंने वहाँ का पानी दौरा किया था और वहाँ पर जो खड्डे हुए वो उनको मैंने दर्शाए थे, उनको बताए थे, तो उन्होंने भी नया प्रस्ताव बनाया। मैंने उनको कहा कि ये रोड चौड़ा होना जरूरी है और वो रोड चौड़ा होने के लिए उन्होंने प्रशासन ने प्रस्ताव बनाया है और ये जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी वो रोड चौड़ा होने का काम चालू हो जाएगा और वो खड्डे भरने का काम है वो ये हफ्ते में जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा मैं समझता हूँ। किने साहब, कुछ लोग बोलते हैं कि ये रास्ता जो है इनलीगल रास्ता है, प्राइवेट जमीन पर बनाया गया है, तो ये आगे चलकर बंद भी हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, कभी क्या है, ये वहीवाट है, ये पब्लिक को आने जाने का रास्ता है, ये अगर है प्राइवेट जमीन में तो उसके बारे में महानगर पालिका से जो उसको मुआवजा देना है वो देंगे और वो रास्ता कभी बंद नहीं होगा, इतना हम कहते हैं। दादा, ये रास्ते की न्यूज मैं कवर कर रहा था, उसी दौरान जो है मैं गांव देवी एकता नगर में कुछ लोगों से बात भी किया, तो कुछ लोगों ने बोले यहाँ के नगर सेवक राजन कीने साहब हैं और वो हमारे जो भी काम होते हैं वो खुद करते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हो सकता है वो किसी दूसरे कामों में इससे ज़्यादा ज़रूरी काम उनके पास होगा इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि उनको फुल भरोसा है कि राजन कीने साहब को हमने जिताया है तो वो हमारा काम ज़रूर करेंगे। नहीं, काम करने के लिए तो अपन काम तो करेंगे, उसके बारे में उनका जो गाँव देवी एकता नगर के हमारे जो नागरिक हैं उनका विश्वास है मेरे पर के राजन कीने जरूर काम करेगा और ये काम हम हमारे आदरणीय आमदार जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में पूरा करेंगे। पिछले हफ्ते में पूरा गाँव देवी से लेकर पूरा एकता नगर से लेकर वो वड़का झाड़ है वहाँ तक के हम लोग ने गोसावी साहब पूरा संजय नगर का पानी दौरा किया था और वहाँ पर जो काम पेंडिंग है उसको देखने के लिए हम गए थे और जो जो काम पेंडिंग है उसको पूरा करेंगे, इतना मैं कहता हूँ। किरे साहब, एक बात जो है, आपने यहाँ पर मार्गदर्शन शब्द का उपयोग किया है, तो इस मार्गदर्शन सबसे एक बात याद आ रही, परसों अभी वोटिंग बेदारी प्रोग्राम का इनकार जो है नजमुद्दीन मलिक और मुबीन सुरवे ने किया था मुमरा रेलवे स्टेशन के सामने आफरीन हॉल में, उसमें नईम खान साहब ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कोई भी काम होता है तो साहब के मार्गदर्शन में, कोई भी काम होता है साहब के मार्गदर्शन में। मैं तो कहता हूँ, मतलब नईम खान साहब ने ये कहा, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ औलादें जो पैदा होती हैं वो भी साहब के मार्गदर्शन में होते हैं, तो साहब ये आपकी नज़र में उनका ये वक्तव्य आपकी नज़र में कितना उचित है? अभी क्या मालूम है क्या, ये मार्गदर्शन ये शब्द है ये अभी इन लोग लेके थक गए ले, अभी इनको जो रोकड़ी का जो बात है वो मिला नहीं है और इन लोग ने वो मार्गदर्शन में काम कर करके इन लोग अभी थक गए ले, इनको अभी कोई काम धंधा है नहीं, इसके लिए वो मार्गदर्शन जो उनका साहब का लेके करते हैं काम करते हैं वो इन लोग को हजम नहीं हो रहा है, इसके लिए उनको पेट में दुख रहा है और इसके लिए उन लोग वो मार्गदर्शन के बारे में इनके अच्छे नहीं लग रहे इनको। दोस्तों तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।